दूल्हा बाबू आइए बैठिए बैठिए। कैसे हैं पंडित जी? शादी का नया एक्सपीरियंस ले रहे हैं? सब आपकी दया है पंडित जी। शादी में भूल हुई, अगर आपने ऐसा नहीं कहा होता तो दूसरी बार शादी नहीं होती मेरी, और सपना मुझसे परमानेंट दूर हो जाती। थैंक यू पंडित। परमानेंट हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाए, इसलिए तो उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है। क्या मतलब पंडित जी? पागल कहीं के, पंडित के रूप में आया हुआ चूहा हूँ मैं। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी? बच्चों जैसी बातें नहीं कर रहा, चूहे की भाषा बोल रहा हूँ। तो पंडित के रूप में आकर तूने मुझे डिवोर्स दिलाया था है? क्यों? अरे पंडित का रूप तो छोड़, मैं तो किसी भी रूप में आ सकता हूँ। किसी भी रूप में आएगा? शादी रुकवाने के लिए मैं कौन से रूप में आऊंगा और कैसे आऊंगा अगर ये बता तो अपने बाल नोच लेगा। तेरी तो पता नहीं किस किस रूप में आ जाता है। बाप रे, अरे बाप रे, थोड़ा सपना से बात कर दूं तो टेंशन दूर हो जाएगी। कहाँ होगी सपना? सपना से बात कर लेता हूँ, इसका क्या करूँ, इसकी जरूरत नहीं है। सपना, सपना, सपना। क्या हुआ जी? क्या है कि क्या चाहिए आपको? एक पप्पी चाहिए थी। हा? वो सब शादी के बाद। शादी के बाद, लेकिन वो तो हो चुकी है ना। पर हमारा डिवोर्स भी तो हो गया है ना। अरे तो कौन सी बहुत बड़ी चीज मांग रहा हूँ, दे दो ना। चाहिए क्या? हाँ। तो फिर आंखें बंद करो। ठीक है। ये चुप क्या रहा है? तुम्हारी मूछे आ गई है क्या सपना? क्या हुआ बॉस, तुम ही चिल्लाए थे? मैं ही चिल्लाया था, सपना ही चुआ यार। ऐसा क्या? हाँ, इसीलिए चिल्लाया था। अब और थोड़ा ज्यादा चिल्लाओगे क्योंकि मैं भी चुआ ही हूँ। क्या बोला? अरे बाप रे। क्यों रे? इतने में ही शौक हो गया? असली शौक तुझे अब देता हूँ, एक बार अपने राइट साइड में तो मुड़ जा। इंस्पेक्टर साहब, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वही यही बालू है ना? यस मिस्टर बालू, दिस इज टू बैड एंड टू अरेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट? मेरा पेमेंट नहीं करेगा तो अरेस्ट नहीं करूंगा क्या? शादी करवाऊंगा तेरी। करवाइए ना ससुर जी, जरा इधर आइए। अरेस्ट करने से पहले हमारी बिल्ली को दिलवा दीजिए। म्याऊ। बिल्ली? भूल गए क्या, चूहा मारने के लिए बिल्ली लिया था ना तुमने? ससुर जी, आपको एक सीक्रेट बताता हूं। इधर आइए, इधर आइए। इधर आने की क्या जरूरत है? क्या सीक्रेट है बताओ मुझे जल्दी। ये लोग आपको मूर्ख बना रहे ससुर जी, ये लोग इंसान नहीं चूहे हैं। ससुर जी देखिए, वो जो है ना पूंछ वाला चूहा, और वो है वर्दी वाला चूहा। वो लोग मुझे मूर्ख नहीं बना रहे हैं, तू मुझे पागल बना रहा, समझ गया तू? मेरी बात पे ससुर जी यकीन क्यों नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी चूहा है? वो तो चूहे जैसे दिखते हैं, और मैं? तू तो सच में चूहा है यार, तगड़ा मोटा मुस्टंडा चूहा। हमारे यहाँ मूस को भी चूहा ही बोलते हैं। आपको एक बात बताऊँ ससुर जी, यहाँ पे जितने लोग हैं ना सब चूहे हैं। ये तुम्हारा दामाद पागल हो गया है। मेरा दामाद पागल नहीं है, बहुत दिमाग वाला है ये। असली बात को साइड ट्रैक में डालकर हमें पागल बना रहा है ये। वो नहीं ससुर जी, उन लोगों ने उस दिन जो बताया था कि काम वाले औरत के साथ पीकर तुमने डांस किया था, तो उन पर यकीन नहीं करके मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, वही गलती थी मेरी। ऐसी बात नहीं है ससुर जी। मैंने जो भी कंडीशंस रखे थे आज की डेट में सारे फेल हो चुके हैं, जिसे ये प्रूव हो चुका है, इसलिए ना इधर से ये शादी कैंसिल। इसी मुहूर्त में अपनी बेटी की शादी मैं दूसरे के साथ करवाता हूँ, कभी अपना मुंह मत दिखाना मुझे। ऐसा मत बोलिए प्लीज, मेरी गलती के लिए आप मुझे कोई भी सजा दीजिए, मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन शादी कैंसिल मत कीजिए प्लीज, एक बार मुझे माफ कर दीजिए। ये तो अब कभी नहीं हो सकता, जिस तरह टूटा हुआ घड़ा कभी जुड़ नहीं सकता, उसी तरह टूटी हुई शादी नहीं हो सकती। ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी। अरे